सफल इंजन की एक बार फिर बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बरेली से मेयर उमेश गौतम दूसरी बार बने मेयर 56,328 वोटों से। सपा समर्पित डॉक्टर आयुष तोमर को हराया। वहीं जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए डॉक्टर उमेश गौतम। वहीं वार्ड 18 से सुधा सक्सेना हुई विजयी, जिन्होंने मीडिया से अपनी बात रखी। वार्ड 23 से सतीश चंद कार्तिक उप मम्मा हुए बीजेपी से विजयी। तो वार्ड 32 से पुष्पेंद्र महेश्वरी। तो वहीं वार्ड 21 से शाली वर्मा। तो आपको बता दें वहीं वार्ड 7 से सौरभ कुमार। तो वहीं वार्ड 4 से ब्रजेश पाल विजयी हुए। वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मतगणना में नतीजे घोषित हुए। आप देख रहे हैं बरेली के चित्र। बरेली के चित्र ये जनता का प्यार है, ये जनता का प्यार है। जो लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे उनको ये करारा जवाब है। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। मैं बरेली की जनता का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने एक प्रचंड जीत यहाँ पर दी है, जो लगभग अभी होने जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है और ये उन लोगों को भी करारा जवाब है जो विकास की जगह विनाश की राजनीति करते थे, जो महानगर को नगर बनाने की बात करते थे। तो अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन रैली हुई थी, तय तो उसी दिन हो गया था कि बरेली की जनता प्रचंड जीत लेने वाली है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जनता का और अपने संगठन का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, जिन लोगों की वजह से आज ये प्रचंड जीत हासिल हुई। कौन से वार्ड से? वार्ड 18 रेलवे कॉलोनी कृष्णा नगर। किस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा? भारतीय जनता पार्टी। किसको हराया, कितने वोटों से? समाजवादी पार्टी को हराया है मैंने, करीब 75 वार्ड वोटों से। 75 वोटों से जी। आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास करेंगे आप, जो जनता ने आपको भरोसा दिलाया? मैंने अभी अपने, वैसे भी मैंने पहले समाज सेविका बन के बहुत काम किए, रोड तक मैंने बनाई है। और इस बार अब मैंने जो भी जनसंपर्क किया है, लोगों की समस्याएं मैंने अपनी डायरी में नोट करी है और उन समस्याओं को मैं जल्द से जल्द अपने निगम के द्वारा उसको पूरा करूँगा। भाजपा ज़्यादा जीते हैं, इसको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है सबका साथ सबका विकास, और गाँवों की विकास हुआ है इसी वजह से। हम लोग आज सभी महिलाएं भी, अब हम लोग की पहले की सोच नहीं है, अब महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। आज हम लोग सुरक्षित हैं, तो पार्टी हमें जब टिकट दिया तो हम जीत के आए, और आगे हम निरंतर यही काम करेंगे तो आगे हम जीत के रहेंगे। सतीश चंद्र कातिब मम्मा। अच्छा मम्मा जी, आप कौन से वार्ड से लड़े थे चुनाव? वार्ड संख्या 23 इंदिरानगर। अच्छा, वार्ड संख्या 23 से लड़े थे, तो किससे अपना कॉम्पिटिशन मान रहे थे? भाजपा का बागी दीवान सिंह। अच्छा, तो आपको जीत पाकर कैसा महसूस हो रहा है, और आपकी जो क्षेत्र की जनता किस प्रकार आपकी तैयारी जो कर रही जीत की? भारतीय पार्टी की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और क्षेत्र में निरंतर कराए गए विकास कार्यों की जीत। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को और क्षेत्र की जनता। ठीक ठीक, बहुत बहुत बधाई आपकी जीत की। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र महेश्वरी। कौन से वार्ड से आपने चुनाव लड़ा था? वार्ड 32 गांधी उद्यान। अच्छा, जीत आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने 1074 वोटों से जिताया, और राजे अग्रवाल की जो वाइफ है रागिनी अग्रवाल, उनके तहत गया, तो क्षेत्र की जनता ने जो सहयोग करा उनका मैं हमेशा आभारी हूँ और समर्पण करता हूँ। वार्ड में पूरा मेहनत करके अपने वार्ड को चमकाने का प्रयास करा, फिर से करूँगा दोबारा। हरेली के
Thank you.